गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। दत्तात्रेय भगवान यानी हमारे पंथ या बोलिए कि हमारे पूजा पद्धति के जो रचयकर्ता है, जिन्होंने सबसे पहले भगवान महादेव को आदिनाथ के रूप में, जब महादेव थे और भगवती पार्वती उदयनाथ के रूप में थी, तो सबसे पहले ये दीक्षा दी थी और उससे ही हमारे अघोर पंथ की शुरुआत हुई। दत्त भगवान की जो साधना है वो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दत्त भगवान का जो मंत्र है वो अपने में सिद्ध माना जाता है। मतलब अगर आप कैसी भी दुविधा में हो, कैसी भी परेशानी में हो, हाँ, तो जो भगवान दत्तात्रेय का मंत्र है उसको आप 9 बार अगर जाप लीजिएगा तो आपका कोई भी कठिनाई जो है वो पार हो जाएगा। किसी ऐसे स्थान पर आप जा रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि काला जादू का असर हो सकता है या भूत प्रेतों का असर हो सकता है, तो इस मंत्र को 9 बार सिर्फ जाप करके वहां घुस जाइए और उसके बाद भगवान दत्त जो है वो आपकी रक्षा करते हैं। तो भगवान दत्त का जो मंत्र है उस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप जाप करना चाहते हैं तो दत्त भगवान का जो बीज मंत्र है उसका रोज 108 बार जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि जो मंत्र 9 बार आपको जाप करना है वो क्या है। वो मंत्र है ओम द्राम दत्तात्रय नमः। ओम द्राम दत्तात्रय नमः। ओम द्राम दत्तात्रय नमः। इस मंत्र को आप कहीं भी जाएं, किसी भी कठिनाई में जाएं, केस मुकदमा हो आपका, किसी दुश्मन के पास जा रहे हो, या आप अनइजी फील कर रहे हो, आप डिप्रेशन में हो, ठीक है, इसको सिर्फ 9 बार आपको जापना है, ज़्यादा जाप नहीं करना। आप लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि गुरुजी मैं इस मंत्र का और ज़्यादा जाप करूँ, जैसे मैंने अघोर रुद्र मंत्र दिया, मैंने बताया कि इस मंत्र का 3 ही बार जाप करना है, तो आप लोगों का मैसेज आता है कि गुरुजी इसको एक माला कर ले, नहीं कर सकते। जिस मंत्र में संख्या दी जाती है उस मंत्र को संख्या में ही करना चाहिए। तो भगवान दत्तात्रेय का ये मंत्र आपको 9 बार ही जापना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बता दिया पावरफुल मंत्र है तो इसको 108 बार कर ले। आप करो 108 बार, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। क्यों मैं मना करता हूँ, देखो बहुत सारा मंत्र, जैसे गायत्री है, ये मंत्र हुआ, उसके रुद्र अघोर मंत्र हुआ, इसको सहने के लिए शरीर को तैयार होना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो कलयुग में ह्यूमन बॉडी है वो इतना तैयार नहीं होता है कि इतने भारी भरकम मंत्र का ज़्यादा लोड ले सके। तो इतना ही इन मंत्रों का जाप करना चाहिए जितना आपका शरीर सहे, नहीं तो आप देखोगे कि साधकों को कैंसर हो जाता है, बहुत लोगों को तरीके के बीमारियों से मरते हैं। उसका कारण है कि मंत्र का क्या कहते हैं, ओवरडोज, ठीक है। जैसे मेडिसिन का ओवरडोज हानिकारक होता है, वैसे इन मंत्रों के वाइब्रेशन का ओवरडोज का जो ओवरडोज है वो हानिकारक होता है। लेकिन दत्तात्रेय जी भगवान का एक मंत्र है जो कि इनका बीज है, जैसे मैंने बताया आपको भी मंत्र ओम द्राम दत्तात्रेय नमः, तो आप मानसिक रूप से 108 बार रोज, कितनी बार, 108 बार या अधिकतम 10 माला कर सकते हैं ओम द्राम का। किस चीज़ का, ओम द्राम, ओम द्राम, ये बीज मंत्र है। तो आप 10 माला तो खैर इसका बहुत आराम से हो जाता है, तो इसका 10 माला आप कर सकते हैं इसको अगर सिद्ध करना चाहते हैं, और उसके बाद ओम द्राम दत्तात्रय स्वाहा ऐसे करके दशांश हवन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरडोज मत कीजिएगा, मतलब अगर मानसिक जाप भी कर रहे हैं तो 10 माला साधकों के लिए, आम व्यक्ति इसका आप एक माला कर लीजिए, एक माला करके दशांश हवन कर लीजिएगा तो किसी भी तरीके का जो मतलब घर का जो एनर्जी है वो खुल जाएगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या भूत प्रेत का साया घर में है तो वो हट जाएगा, और साथ में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा, ठीक है। तो पहला मंत्र था ओम द्राम दत्तात्रेय नमः, दूसरा जो बीज आप जो 108 बार जाप कर सकते हैं ओम द्राम है, और उसके बाद आपको दशांश हवन करना है ओम द्राम दत्तात्रेय स्वाहा से, ओम द्राम दत्तात्रेय स्वाहा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। ये मंत्र आप ध्यान से पहले कर सकते, ध्यान के बाद ये मंत्र नहीं करना। देखो एक और बात था, ध्यान के बारे में कोई मुझसे पूछ रहा था, ध्यान के बाद कभी भी ओम जिस मंत्र में लगे उसको नहीं करना चाहिए। ध्यान करने के बाद पोस्ट मेडिटेशन ओम नाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय पूरा कॉस्मिक एनर्जीज खुला रहता है, आपका ब्रेन खुला रहता है, ठीक है, चक्र सब सिधाई में रहता है, तो वो
आपको बहुत ज़्यादा हानि कर सकता है। इसीलिए कभी भी कोई ऐसा मंत्र ध्यान के से उठ के ना करें जिसमें ओम लगा हो। आज के लिए इतना ही। मुझसे बात करना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मैं बेसिक साधनाएं अभी उसमें सिखा रहा हूँ। ये पेड ग्रुप है ताकि बहुत लोग जो इंटरटेनमेंट ले आते हैं वो ना आए। उसके अलावा अगर आपको अगर भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है तो आप मेरा किताब हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खरीद कर पढ़िए। आपको पता चलेगा कि भूतों के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद उसको सुन कैसे सकते हैं। मुझसे अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz। इसमें अपॉइंटमेंट का एक सेक्शन है, आप इसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या डायरेक्ट फ़ोन पे बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए। उसमें रुद्रनाथ सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा, उसमें कॉल बटन है जिससे आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं मैसेज पढ़ लूँगा, मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो आपको रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश अलाक आदेश।